आप सभी के लिए कल एक वीडियो लेकर आया था मैंने कि यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आईटीआई जो बिहार आईटीआई के जो एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आप सभी का बिहार आईटीआई में काउंसलिंग होने के बाद आप सभी को एडमिशन के लिए अप्लाई किया एडमिशन किया जाता है बिहार आईटीआई में जो सरकारी आईटीआई होता है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आपको सभी आपको ट्रेड वाइज आपको पढ़ाया जाता है। तो इसमें आपको ट्रेड कौन कौन सा लेना है आपको मैंने कल इसमें काउंसलिंग के बारे में बताया था, क्योंकि काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग में आपको ट्रेड पूछा जाएगा कि कौन सा ट्रेड आप लेना चाहते हैं, तो उसी ट्रेड के माध्यम से आप आगे की ओर पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी को ट्रेड किस तरह का लेना है, कौन कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सी आईटीआई में कितने सारे ट्रेड अवेलेबल हैं और कौन कौन सा ट्रेड यहाँ पर है और कौन सा ट्रेड आपको बेटर रहेगा और कौन सा ट्रेड बेटर नहीं रहेगा। तो इन सभी के लिए मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और जितने भी आईटीआई के कैंडिडेट होंगे, सभी कैंडिडेट जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे आईटीआई के लिए और सभी का जितने लोग का यहाँ पर मार्क्स बेसिस नंबर आया होगा और जितने लोग काउंसलिंग कराना चाहते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका काम अगर इससे नहीं होता तो चैनल अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्सक्राइब करके ही रखें। आपको अगर नोटिफिकेशन अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नोटिफिकेशन अच्छा नहीं लगेगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आईटीआई का मतलब यहाँ पर ट्रेड वाइज यहाँ पर डाउनलोड किया हूँ, यहाँ पर सभी जिला के इसमें अवेलेबल है, जिसमें आप किसी भी जिला से बिहार के किसी भी जिला के अगर होंगे तो इसमें आप ट्रेड देख सकते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड कितने हैं और कौन सी आईटीआई में कितने ट्रेड अवेलेबल हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ इस फिगर को और यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैं यहाँ पर आईटीआई के लिए डाउनलोड किया हूँ, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जहाँ से इस वाले को आप डाउनलोड करके अपने खुद से भी देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए, चलिए वन बाय वन आपको यहाँ पर रीड करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ सभी यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितने कितने सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम, आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिर से लिखा गया है और इसके बाद यहाँ पर ट्रेड का नाम लिखा गया है जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और इसके बाद फिर अपडेटेड विथ SCBT या NCBT। इसके बाद फिर ड्यूरेशन दिया गया है कितने साल का आपका कोर्स है यहाँ पर और सभी यहाँ पर डिटेल देख पा रहे होंगे। साथ में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी में आपको नंबर ऑफ सीट कितना है, यहाँ पर सभी देख पा रहे हैं नंबर ऑफ सीट, जनरल SC ST EBC BC RCG और EWS टोटल यहाँ पर सीट दिखाया जा रहा है और यहाँ पर एडिशनल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर इंक्लूड ऑफ टोटल सीट यहाँ पर टोटल देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पर आप जिस भी जिला का देखना चाहते हो उस जिला का यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट भी ला सकते हैं। चलिए मैं औरंगाबाद जिला से हूँ, औरंगाबाद जिला को दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी सीट अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर औरंगाबाद जिला वाले में आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर औरंगाबाद जिला का यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर औरंगाबाद जिला में यहाँ पर औरंगाबाद आईटीआई के नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आईटीआई औरंगाबाद। इसके बाद यहाँ पर आईटीआई यहाँ पर तीन आईटीआई अवेलेबल हैं औरंगाबाद जिला में। तो आईटीआई में आपको तीन आईटीआई यहाँ पर अवेलेबल, पहला यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर शुरू में यहाँ पर औरंगाबाद आईटीआई है, दूसरा में यहाँ पर दाऊदनगर औरंगाबाद आईटीआई यानी कि दाऊदनगर में एक आईटीआई है सरकारी वाला। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़ा सा और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको भवंडी में एक आईटीआई है, जो यहाँ पर औरंगाबाद जिला में तीन आईटीआई सरकारी आईटीआई अवेलेबल है, जिसमें आप सभी को यहाँ पर मैं पोस्ट बाय पोस्ट दिखाता हूँ यहाँ पर औरंगाबाद जिला में। यहाँ पर औरंगाबाद जिला में यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए और SC ST SC BT यहाँ पर दो साल के लिए है, जो कि टोटल 114 सीट जिसमें है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल डिटेल इस तरह से देख पा रहे होंगे SC BT के लिए दो साल के लिए। औरंगाबाद में फिटर के लिए यहाँ पर NCBT है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में यहाँ पर SC BT दो साल के लिए, ICTSM यहाँ पर दो साल के लिए अवेलेबल है, वेल्डर के लिए एक साल और यहाँ पर मैकेनिक डीजल के लिए एक साल यहाँ पर अवेलेबल है। साथ में यहाँ पर दाऊदनगर आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल 61 सीट है और यहाँ पर 24 सीट यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर सभी का दर्शाया गया है, टोटल आपको यहाँ पर 152 सीट अवेलेबल है। इसमें आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर टोटल सीट जितना दर्शाया गया है 152 सीट टोटल यहाँ पर यहाँ वाला का पूरा दिखाया गया है, यहाँ पर सीट इस वाले में यहाँ पर टोटल सीट दिखाया गया है और इस वाले आईटीआई का यहाँ पर नीचे सीट दिखाया गया होगा। चलिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ नीचे सीट कहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दाऊदनगर आईटीआई में आपको टोटल यहाँ पर 190 सीट अवेलेबल कराया गया है और यहाँ पर भवंडी आईटीआई की अगर बात की जाए तो भवंडी आईटीआई में आपको टोटल यहाँ पर 437 सीट अवेलेबल कराया गया है, यानी कि टोटल यहाँ पर आपको लेकर यहाँ पर इतना सीट अवेलेबल है
आप इस वाले सीट के अनुसार देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भवानी आईटीआई में कौन कौन सा ट्रेड अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTSM, और यहाँ पर ड्रग्स मैन के यहाँ पर सिविल के लिए यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर NCBT सब यहाँ पर अवेलेबल है इसके लिए। और यहाँ पर औरंगाबाद, यहाँ पर दाऊदनगर आईटीआई में बात किया जाए तो यहाँ पर दाऊदनगर आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTSM, इसके बाद वेल्डर, प्लम्बर, इसके बाद मैकेनिक डीजल। और यहाँ पर मैं औरंगाबाद जिला में बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTSM, वेल्डर एंड मैकेनिक डीजल। अब यहाँ पर बात करने की बात यहाँ पर आई तो यहाँ पर इतने सारे ट्रेड अवेलेबल है जिसमें से इसी में से कोई आपको पोस्ट लेना होगा। इसमें से लेने के लिए आपको अब ये आप कन्फ्यूजन में होते हो कि कौन सा ट्रेड हमें अच्छा रहेगा, कौन ट्रेड अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेड सभी अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है कि ट्रेड यहाँ पर कोई ख़राब है, ट्रेड सभी अच्छे हैं। यहाँ पर आप कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। इसमें से यहाँ पर ज़्यादातर प्रचलित होता है यहाँ पर फीटर और इलेक्ट्रीशियन सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है, लेकिन फीटर और इलेक्ट्रीशियन के अलावा और भी और अगर अदर ट्रेड लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फीटर और इलेक्ट्रीशियन से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट अवेलेबल हैं जो प्राइवेट आईटीआई से भी कर चुके हैं और सरकारी आईटीआई से भी कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रीशियन और फीटर का बहुत सारे कैंडिडेट है। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन अगर फीटर मिलता है ट्रेड तो ठीक है, अच्छी बात है, ले सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रीशियन फीटर के अलावा अगर अदर भी अगर कोई ट्रेड अगर मिलता है तो उससे और बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अदर ट्रेड कोई व्यक्ति करता ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कोई अगर वैकेंसी आता है उस ट्रेड में, जैसे वेल्डर हो गया, मैकेनिक हो गया, ICTSM हो गया, ये सब, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, ये सब अगर ट्रेड आप लेते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जॉब होने की गारंटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन और फीटर में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं तो उसमें बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पर सीट अवेलेबल होने की ज़रूरत मतलब नहीं मिलने के चांस बनेगा। लेकिन ICTSM अगर वेल्डर लेते हैं, मैकेनिक लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक लेते हैं, तो इन सभी में यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या बहुत कम होती है, और इसमें अगर सीट अच्छा खासा रहता है और कैंडिडेट की संख्या अधिक कम रहेगा तो आपको जॉब होने की 100% गारंटी होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे भी से कहना चाहूँ कि मेरे अनुसार अगर आईटीआई अगर करते हैं तो आपको बेटर रहेगा कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर के अलावा और कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या ICTSM हो गया, वेल्डर हो गया। मैं यहाँ पर सरकारी आईटी से ही मैं किया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर वेल्डर ट्रेड किया हूँ। मेरा यहाँ पर 1 साल का कोर्स था जो SCBT मेरा है, यहाँ पर मैं 1 साल का कोर्स किया हूँ औरंगाबाद आईटीआई से, और साथ में यहाँ पर ICTSM यहाँ पर भी अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है यहाँ पर, जो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें आपको बातें किया जाता है, इस पर कंप्यूटर से रिलेटेड आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको अगर ICTSM में अगर भी अगर मिलता है तो बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेड है, क्योंकि ICTSM की बहुत ही मांग हो रही है अभी, और साथ में यहाँ पर मैकेनिक डीजल और यहाँ पर वेल्डर की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी यहाँ पर। लेकिन अगर इलेक्ट्रीशियन और फिटर की बात करें तो उतना मांग नहीं हो पाता है अब जितना इन सभी का मांग होता है, क्योंकि यहाँ पर इन सभी इतना सारा कैंडिडेट अवेलेबल है कि आपको वहाँ पर मौका ही नहीं मिल पाएगा बैठने के लिए। तो आप सभी को यहाँ पर इनमें से कोई भी अगर ट्रेड मिलता है तो आप ले सकते हैं ट्रेड, ये कोई ख़राब ट्रेड नहीं होता है। ICTSM भी ले सकते हैं, वेल्डर ले सकते हैं, मैकेनिक डीजल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ले सकते हैं, इनमें से भी बेटर अच्छा है ये सब, यानी कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर भी अच्छा है, तो इन सभी में से कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मन में और भी कोई भी सवाल हुआ इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग इसका स्टार्ट हो, यानी कि 10 तारीख यानी परसों रोज से स्टार्ट होना है, तो आप सभी को वीडियो जरूर आएगा। आप जब वो सब वीडियो को देखकर आप अपने घर से बैठे आप काउंसलिंग कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है उसका पिछला वीडियो बनाएंगे, उस वाले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा और सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।